हेलो कैसे हो? ठीक है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मानवी का नाम चैन। और आपका नाम क्या है? अनिल नौटियाल। आपका नाम मानवी का नाम है? कहाँ से हो आए? कहाँ से हो? देहरादून से। और आपका घर? मेरा भी वही है। आपके गांव में? आपके गांव में स्नो गिरती है? आप गए थे? कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो आज? कहाँ जा रहे हो? मंदिर। कौन से मंदिर? टपकेश्वर। टपकेश्वर। अच्छा, कितना अच्छा मंदिर है वहाँ? बहुत अच्छा मंदिर। बहुत अच्छा है। तो सबको दिखाएंगे कि हम टपकेश्वर जा रहे हैं। आरती आ गई। बुआ है, चाचू है, और हम दिखाएंगे आरती आ गई। आलू 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 आलू। हेलो करो। हेलो हेलो करो। हेलो हेलो। दोस्तों, मैं अनिल नौटियाल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक दूसरे गांव के सफर में सम्राज देव दर्शन कराऊंगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और आप देव दर्शन कीजिए। और ये हम टपकेश्वर गेट पहुंच चुके हैं। बच्चे यहाँ पर देव दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। और ये सीढ़ियाँ जाती हैं यहाँ से नीचे। यहाँ से बहुत बहुत लंबी सीढ़ियाँ हैं, बहुत नीचे तक जाना होता है। और ये हम अब पहुंच के हैं नज़दीक। ये रहा गेट टपकेश्वर मंदिर का। महर्षि, एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ पीछे पूरा। ये सब टपकेश्वर का व्यू है। एक बार आप जरूर देखिए पीछे। घर की ओर आप पीछे। और ये सामने आपको बजरंग बली की मूर्ति दिख रही है। ये बीच में नदी जाती है और ये खुले आधा मंदिर इधर को आधा उस साइड है, और चारों तरफ इसके जंगल है। बहुत ही सुंदर व्यू है इधर। और ये मानवी का नौटियाल यहाँ खेलते हुए बहुत ही मजे ले रहे हैं। और ये सिस्टर है, उनका नाम रूबी है। सब यहाँ पर मजे आज बहुत ही मजे कर रहे हैं। ये मनीष भाई है वहाँ पर खड़े। और अब अंदर चलते हैं मंदिर में दर्शन करने को, दिखाते हैं। Yeah.
अब जब भी ठपके श्राव हुए तो उसके सामने वाला जो लेफ्ट हैंड जो मंदिर है उसमें जाना है अंदर। और पूरा मंदिर अंदर गुफा के अंदर बिल्कुल पहाड़ के नीचे बना हुआ है, उसमें भोलेनाथ का मंदिर है। ज़्यादातर भोलेनाथ का मंदिर मतलब सभी देवी देवताओं की मूर्ति उसमें मिल जाती है। और आपको अंदर जाना है, अगर भारी रहोगे तो आप अंदर दर्शन नहीं कर पाओगे। अंदर जाना और उसके अंदर एक छोटी सी गुफा है, उसके अंदर भोलेनाथ का मंदिर है जो ये सामने दिख रही है, उसके अंदर जाना और वहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने हैं। और इसका ये मेन गेट ये छोटा सा अंदर ये है, ये वहाँ जाना है, ये यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन होंगे। आपको छोटी सी गुफा है अंदर और फिर बाहर आना। और ये भी गुफा के अंदर हनुमान जी की मूर्ति है और ये सब गुफा के अंदर ही बना हुआ है ये सब कुछ। और ये नदी को पार करके उस साइड बना हुआ है। और नीचे बहुत लोगों को पता नहीं है मंदिर कहाँ पर, नीचे जाके जब नदी क्रॉस करोगे तो छोटा सा नीचे दरवाजा उसके अंदर जाना है, वहाँ आपको जिस समय मिलेगा। ये छोटी सी गुफा है अंदर, उसमें एक तरफ से अंदर जाना दूसरे से बाहर निकलना है। चलो चलो चलो, मस्त है भाई, बहुत मज़ा आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और बाहर आ जा आके देखोगे तो ये आपका नरसिम्हा है, और बाहर आके देखोगे बहुत ही बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, आपकी नज़र भी नहीं पहुंच पाएगी ऊपर जहाँ तक हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत ही बड़ी है। बजरंग बली की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और यहाँ से आपको अब आगे ले चलता हूँ ऊपर, और ये है वैष्णो माता गुफा, ये आपको आगे जाके मिल जाएगी नदी के पार। और उस गुफा में जाना है एक बार ज़रूर, ये भी बहुत ही लंबी गुफा है, बिल्कुल झुक के चलना पड़ता है घुटनों के बल पे, एक तरफ से अंदर दूसरे से बाहर निकलते हैं और वहाँ सीधा मंदिर के पास पहुँचते हैं। ये देखिए और हम मंदिर के पास पहुँच रहे हैं भाई, बहुत ही मज़ा आता है, एक बार जाइएगा ज़रूर। अगर आप देहरादून रहते हो कहीं से घूमने आ रहे हो उत्तराखंड में तो एक बार जरूर जाइए। ये हमारे मनीष भाई आ गए और ये बच्चे बहुत ही मज़ा ले रहे हैं आज भाई, क्या मज़ा आता है यहाँ, बस पूछो ही मत। आगे जाके हम दिखाते हैं अभी, ये सब पहाड़ के नीचे बना हुआ है, मतलब इतना मज़ा आता है कि भाई दिल खुश हो जाता है। नारायण भगवान भाई, इतना मज़ा कहीं नहीं आएगा, किसी भी आप मंदिर पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यहाँ कुछ अलग सुकून मिलता है। श्री रामचंद्र जी की जय हो, बहुत ही मज़ा आता भाई, एक बार जरूर आना बस। बाबा मोरिया मूसे की सवारी, ये है मोदक। आप देख रहे टपकेश्वर में परसों शिवरात्रि है, और इस शिवरात्रि के अवसर पर आज उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, आने का कहीं से रास्ता नहीं मिल पाता। पूरा जो पीछे तक देख रहे हो आप, ये सीढ़ियाँ पूरी ऊपर तक भरी रहती है मेन रोड तक, और पुलिस फोर्स लगी रहती है, इसलिए हम आज आए क्योंकि परसों तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है। और ये हमारे गोपीनंदन, हमारे गोपीनंदन कन्हैया जी, मैंने कहा कि बैल भी बजा ली थी। इधर देखो, क्या देख रहे हो? चल पानी पीजो। हेलो, कौन है आरु? किसपा? तब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थॉट देयर इज अ टाइम।
जरूर आइए, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से मंदिर का देखो एक बार पीछे को, चारों तरफ जंगल और बीच में एक नदी है, आप जरूर आइए एक बार यहाँ घूमने, बहुत ही दिल को सुकून मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो लाइक कर देना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोगों से। शिवरात्रि की तैयारी है, यहाँ पर शिवरात्रि बहुत ही बड़ा मेला लगता है, उसी की तैयारी हुई है।